हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ देयर। आई हर्षिता पारेख वेलकम्स यू अगेन इन माय ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आई एम बैक हियर विद द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द VSEPR अगेन। थर्ड पार्ट है VSEPR का ही, जिसे हम अब जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। In previous lectures, we have discussed about many type of the system. Theory की बात कर लिया था, AB2 type, AB3 type, AB4 type की हम बात कर चुके थे। In today's class, we will discuss it further. So, this is our third lecture of VSEPR, the valence shell electronic pair repulsion theory. So, now in today's class, हम बात करने जा रहे हैं ऑफ AB5 टाइप ऑफ द सिस्टम। देखिएगा, AB5 टाइप के सिस्टम की बात करूं तो वहां आपके पास में क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्या ज्योमेट्री हो सकती है, उन सब की बात करेंगे। चले, नाउ इन टुडेज क्लास वी आर बैक हियर विद द टॉपिक VSEPR। और सबसे पहला जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं AB5 टाइप ऑफ द सिस्टम। सो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इज PCl5 है यार, PCl5। चलिए देखते हैं, PCl5 है यार, दिस इज द मॉलिक्यूल PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। यस, चलिएगा अब हम बात करें इन दिस मॉलिक्यूल PCl5 हो क्या रहा है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4 एंड 5, जबकि बॉन्ड पेयर भी 5 ही है। दीज आर द बॉन्ड पेयर्स, राइट? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? चलेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की बात किया जाए, दैट इज 5। दिस इज द मेंबर ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, सेम नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। नाइट्रोजन के पास में 5 है, इसके पास में भी 5 ही होते हैं। ओके, चलिए 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितना है? 5 अगेन, मींस लोन पेयर इज 0 है यार। 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर्स। नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द शेप, क्या शेप हो सकती है, किस तरह से ओरिएंट रहे ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो देखिएगा, दीज 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ प्लेन। ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है? इन अ प्लेन, एक प्लेन में प्रेजेंट है। चलिएगा, अगर मैं बात करूँ इसकी तो दिस विल बी समथिंग लाइक Yes, have a look. This is the trigonal planar condition when one phosphorus is attached with the 3 chlorine atom. 3 क्लोरीन से इस तरह से अटैच हो। अब इसके पास में 2 क्लोरीन और हैं, PCl5। वो 2 कहाँ ओरिएंट हो? 1 एंड द अनादर वन, मतलब एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, राइट? तो यही है द ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। कैसा बन रहा है ये? इट विल बी ट्राइगोनल एंड बाईपिरामिडल। कैसा होगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो है वो आपके पास में आएगा, दिस विल बी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। द शेप विल बी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, द शेप विल बी ट्राइगोनल। देखिएगा, ये बन रहा है आपके पास में एक प्लेन ट्राइगोन, राइट? जबकि ये तीनों जो है, ये तीनों जो है वो इसके साथ में जो है वो बॉन्डेड हैं, बॉन्डेड हैं
मीन्स एक हेड्रल जो है वो बना रहे हैं. ये एक पिरामिड ऊपर देखिए, समथिंग लाइक दिस. ये लीजिएगा, दिस इज अ ट्राइगोनल शेप. ये ट्राइगोनल शेप है, एक बॉन्ड नीचे है. वेट फॉर अ सेकेंड. यप, दिस इज अनदर बॉन्ड. ठीक है, ये हुआ आपके पास में ट्राइगोनल वन एंड द टू पिरामिड्स. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है वो आपके पास में शेप होगा. यस, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जहाँ पे ये तीन जो आपको नजर आ रहे हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन में जो है वो प्रेजेंट है. ओके, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, एंड द शेप विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. हैव अ लुक नाउ. लोन पेयर जीरो, जीरो लोन पेयर, देन ज्योमेट्री विल बी अगेन सेम. इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अगेन. अरेंजमेंट ये भी बनाया ही है, ए बी फाइव की तरह बनाना चाहें तो ये लीजिए, दिस इज ए, थ्री बी एटम्स आर अटैच इन अ प्लेन लाइक अ ट्राइगोन. ट्राइगोनल शेप, प्लेनर ट्राइगोनल बनाते हुए प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि ये कहाँ प्रेजेंट है, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर जो है वो ये प्रेजेंट है. ठीक है, ये एक प्लेन के ऊपर, दूसरा प्लेन के नीचे प्रेजेंट होगा. सो दिस इज द अरेंजमेंट हेयर, ट्राइकोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री एंड शेप एज वेल, बिकॉज नंबर ऑफ लोन पेयर इज जीरो. PCL5 टाइप ऑफ द सिस्टम की बात करें चलेगा. अब हम बात करें अबाउट द बॉन्ड एंगल. व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल हेयर इन दिस केस. तो देखिए, बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं तो बॉन्ड एंगल हेयर दैट इज 120 डिग्री बिटवीन दीज बॉन्ड. ये जो तीन एक प्लेन में प्रेजेंट है उनके बीच में बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा. राइट, ओके. नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड दिस, दैट विल बी 90 डिग्री. अगेन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या आप बात कर ले नीचे वाले का, वो भी कितना होगा, दैट विल बी 90 डिग्री होगा. ओके, जबकि हम इसका और इसका जो है वो बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, दैट विल बी 180 दिस टाइम. तो यहाँ पर इन द ए बी फाइव टाइप ऑफ द सिस्टम बॉन्ड एंगल जो मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे, सेम नहीं मिलेगा. इन द प्लेन थ्री बॉन्ड्स आर इन अ प्लेन जो कि 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ में, जो ऊपर प्रेजेंट है, जो नीचे प्रेजेंट है, वो प्लेनर वालों के साथ में 90 डिग्री का बनाएगा, जबकि बोथ आर फॉर्मिंग the bond or angle of 180 degree this time, 180 degree this time. This is 180 degree, this one is 90 degree and this is 120. ओके, तो ये हुआ अबाउट द बॉन्ड एंगल दिस टाइम इन द ए बी फाइव टाइप ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम को देखते हैं, कीप वॉचिंग. यस, नाउ द नेक्स्ट केस दैट इज ऑफ ए बी फाइव का ही कोई दूसरा सिस्टम बात करते हैं, जिसमें ए बी फोर एंड वन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब टोटल तो पांच ही हैं, जिसमें से चार बॉन्ड पेयर हैं, जबकि एक लोन पेयर है, उसकी बात करते हैं. चलिएगा, बॉन्ड पेयर फोर, लोन पेयर वन दिस टाइम. वॉट विल बी द अरेंजमेंट हेयर इन दिस केस. ए forms three bond in a plane to form the trigonal planar. जबकि दो और आपको यहाँ पे बनाने हैं, एक ऊपर बना दीजिए, एक नीचे बना दीजिए. And this will be the trigonal bipyramidal. ये कैसा है, दिस इज द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप. राइट, लेकिन यहाँ इस बार एक लोन पेयर आ रहा है. एट दिस टाइम हेयर इज अ लोन पेयर. एग्जाम्पल ले लीजिए SF4 का, एग्जाम्पल ले लीजिए SF4 का. तो देखिएगा, अब मैं इस लोन पेयर को यहाँ कहाँ अटैच करूँ. मुझे चार जो है वो एटम अटैच करने, वाइल वन विल बी लोन पेयर. यार क्या अरेंजमेंट हो सकता है, कहाँ अरेंज करें. चलिए, या तो ये प्रेजेंट हो सकता है कहाँ पर, इन द प्लेन, और इट कैन बी प्रेजेंट आउट ऑफ द प्लेन. मतलब या ऊपर या तो नीचे, प्लेन के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन. चलेगा,
इस पोजीशन को जो प्लेनर है उस पोजीशन को एक्सेल पोजीशन कहते हैं, व्हाइल द बोन्स जो कि आपके पास में आउट ऑफ द प्लेन है, अबव द प्लेन एंड द बिलो द प्लेन है, इनको आप कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट? एक्सेल एंड द इक्वेटोरियल पोजीशन. नाउ सपोज दैट या तो मैंने यहाँ डाल सकती हूँ, इधर किधर भी डाल दो, बात तो ये 120 डिग्री का आपके पास में बॉन्ड एंगल है. ओके फाइन, या आप इसको यहाँ डाल सकते हैं. देखिएगा, इफ द लोन पेयर इज प्रेजेंट हेयर, अगर लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है तो ये आपकी बार 1, 2, 3 जो है वो, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपको देखना है. इज दिस टाइम विल नोटिस द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर एंड अगेन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर द बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो इस केस में जहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है एक, आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, राइट? चलिए, अब अगर हमने यहाँ लगाया है, दिस इज फॉर्म द बॉन्ड एंगल 90 90 90, मतलब इन दिस सिचुएशन तीन जो है आपके पास में, तीन बॉन्ड्स के साथ में कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सबकी फोर्थ के साथ में 180 का बन रहा है, राइट? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है. ओके फाइन, नाउ आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस लोन पेयर ऑन द एक्सियल पोजीशन. ये लीजिए, यहाँ आपकी बार मैं लोन पेयर डाल देती हूँ इसे हटा करके. हैव अ लुक नाउ, वन एंड द टू बॉन्ड्स दिस टाइम, टू बॉन्ड्स दिस टाइम एट द 90 डिग्री, वाइल टू बॉन्ड्स दिस टाइम एट द 90 डिग्री, वाइल वन एंड द टू, टू आर ऑन 120 चलेगा. तीन बॉन्ड 90 डिग्री पर, जबकि इस पोजीशन पे अगर आप लगाओगे तो दो ही बॉन्ड 90 डिग्री पर आएंगे, राइट? इट मींस यहाँ आपके पास में मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन. ओके, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी. और आप हमेशा ध्यान रखिए, इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम द लोन पेयर विल ऑलवेज गेट एक्सियल पोजीशन, हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन को नहीं ऑक्यूपाई करेगा. इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन, आपको ध्यान रखना है. मैंने इसका रीजन जो है वो समझा भी दिया, राइट? ड्यू टू द मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन विल अकर हियर, मैक्सिमम स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल, राइट? तो इसी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट करेगा, इन द प्लेन. कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द प्लेन प्रेजेंट होगा, चलेगा. अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर द बॉन्ड पेयर, तो ये इस बार जो है आपके पास में इसकी शेप की, ज्योमेट्री की, अरेंजमेंट हमने देखा, शेप की बात करते हैं, चलेगा. शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं होते हैं, राइट? ज्योमेट्री विल डिसाइड बाय द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, वाइल द शेप डिसाइड्स ओनली बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? मींस इसे इस बार जो है वो क्या कर लीजिए, छुपा लीजिए और इसको थोड़ा सा रोटेट कीजिए. चलिए रोटेट करते हैं. ए समथिंग लाइक दिस, बी एंड द बी, एंड दिस इज लोन पेयर दिस टाइम, राइट? ओके, हैव अ लुक नाउ, इज दिस द शेप ऑफ सीसॉ, जो एक झूला होता है, एक साइड दूसरा, मतलब एक बैठता है दूसरे साइड दूसरा बैठता है, समथिंग ऊपर नीचे होता रहता है, दैट इज सीसॉ. तो ये उसी सीसॉ के जैसा जो है वो आपको शेप जो है वो नज़र आ रहा होगा इन दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. तो ये आपके पास में क्या है, द शेप विल बी सीसॉ शेप. ओके, दिस इज द सीसॉ शेप. नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री की बात किया जाए, यहाँ पे ये भी कंसीडर होगा, ट्राइगोनल था, दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप. दिस इज द ट्राइगोनल, देखिएगा अगेन दिस टाइम, दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर, ये दो पिरामिडल बन रहे हैं, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल
बायपिरामिडल दिस टाइम, सेम है। जितने भी आपके पास में ए बी फाइव सिस्टम आएंगे, चाहे उसमें एक भी लोन पेयर ना हो, एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। ज्योमेट्री आपके पास में हमेशा ट्राइगोनल बायपिरामिडल की आएगी, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल बोन पेयर लोन पेयर दैट इज इक्वल टू फाइव, टोटल दो फाइव ही आ रहा है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। While the shape can be changed according to the number of the lone pair present in the molecule. ये हुआ हमारे पास में सिस्टम की बात, जिसका हमने शेप देखा सीसो, ज्योमेट्री देखी ट्राइगोनल बायपिरामिडल, देयर इज वन टू थ्री फोर लोन पेयर बोन पेयर्स वाइल वन लोन पेयर एंड एग्जाम्पल इज एस एफ फोर मॉलिक्यूल। एस एफ फोर की बात करते हैं, सल्फर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सिक्स है, इसमें से कितने जो है वो बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, फोर आर फॉर्मिंग द बॉन्ड हियर, दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होगा, दो इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है, चार इलेक्ट्रॉन सल्फर के बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो काम आ रहे हैं, पार्टिसिपेट जो है वो ले रहे हैं। सो हेयर वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, जबकि चार फ्लोरिन मॉलिक्यूल का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एंड द शेप विल बी सी सो ऑफ दिस मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ ए बी थ्री E2 means इस बार हम दो लोन पेयर का केस कंसीडर करते हैं। कीप वॉचिंग। यस ए बी फाइव टाइप ऑफ द सिस्टम अगेन, दैट इज ऑफ ए बी थ्री ई टू दिस टाइम, मतलब ओवरऑल पांच ही है, लेकिन हम यहाँ पर दो लोन पेयर और तीन बोन पेयर का केस जो है वो कंसीडर करते हैं। ए बी फाइव टाइप ऑफ द सिस्टम सबसे ज़्यादा केसेस बनते हैं, राइट। ए बी सिक्स में और भी ज़्यादा बनने चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में होता नहीं, एक दो केस ही वहाँ हम डिस्कस करेंगे ए बी फाइव टाइप ऑफ द सिस्टम। नाउ इन दिस केस थ्री बोन पेयर्स वाइल टू लोन पेयर्स, शेप की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, उससे पहले अरेंजमेंट की बात करते हैं। अरेंजमेंट दिखा, शेप में लोन पेयर कंसीडर कीजिएगा, ज्योमेट्री में लोन पेयर कंसीडर कीजिएगा, शेप में मत कीजिएगा, राइट। चलिए बात करते हैं ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज ए बी फाइव की अभी हमने बात किया था, जिसमें कैसा था ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लोन पेयर डालने हैं किन्हीं भी दो पोजीशन में। चलिए अगर आप बात करें लोन पेयर की, तो लोन पेयर मैं यहाँ और यहाँ डाल दूँ 180 डिग्री, द बॉन्ड एंगल बिटवीन द लोन पेयर 180 डिग्री मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर हम बात करें आपने लोन पेयर का रिपल्शन तो मिनिमाइज कर दिया, बट वॉट अबाउट द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, नाउ 90 डिग्री पर हैं सारे के सारे, ऊपर भी नीचे भी लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन दैट सिचुएशन। सो दिस टाइप ऑफ द ज्योमेट्री के नॉट बी पॉसिबल, दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट के नॉट बी पॉसिबल, जहाँ आपने यहाँ पे भी लोन पेयर डाल दिया, यहाँ पे भी लोन पेयर डाल दिया। रीजन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो गया है, ड्यू टू दैट दिस स्ट्रक्चर के नॉट बी स्टेबलाइज। क्लियर। चलिए बात करते हैं AB5 का E2, AB3 E2 क्या जो है वो अरेंजमेंट होगा। एक अभी बात बोली थी, इन द AB5 टाइप ऑफ द सिस्टम लोन पेयर विल ऑलवेज बी एट द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर को डालिए, एक यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, किसी भी पे डाल सकते हैं। 120 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल हेयर, आप यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, नो इशू। दीज आर द लोन पेयर हेयर, ये लोन पेयर है, राइट। देर आर टू लोन पेयर इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम, और यहाँ आपने जो है वो तीन क्या डालने हैं, यस द एटम ऑफकोर्स चलेगा। इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम हमेशा लोन पेयर एक्सियल पेयर जाएंगे। अब की बार अगर हम जो है वो यहाँ पर इसका शेप की बात करें, तो देखिएगा अगेन इसको थोड़ा सा जो है वो क्या कीजिए, रोटेट कीजिए। बाय रोटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल वी विल गेट द पोजीशन समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ये आपके पास में क्या है, दीज आर द
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ओके 120 डिग्री यहाँ पर जो है वो आपके पास में एंगल जो है वो होना चाहिए राइट चलेगा. ये जो है वो अगर हम बात करें तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द शेप. हटा लीजिए लोन पेयर को, क्या शेप है? टी शेप नजर आ रहा है. यस ऑफ कोर्स टी शेप. ज्योमेट्री की बात किया जाए तो ज्योमेट्री विल बी दैट इज ट्राइगोनल ट्राइगोनल बायपिरामिडल. वंस अगेन मॉलिक्यूल की बात किया जाए इट विल बी CLF3 ले लीजिए. CLF3 द एग्जाम्पल इज CLF3 दिस टाइम. CL क्लोरीन की बात कीजिए विच इज अटैच विद द 3 फ्लोरीन एटम. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास कितने होते हैं? दैट इज 7. ओके माइनस बॉन्ड पेयर 3 दैट इज 5 हेयर दैट इज 4 हेयर. यस ऑफ कोर्स 7 माइनस 3 4 4 हेयर. 4 इलेक्ट्रॉन विल बी एज अ लोन पेयर चलेगा. लोन पेयर देखिए 1, 2, 3 एंड 4. 4 पेयर नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4 वाइल द लोन पेयर आर 2 एयर. 2 लोन पेयर 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और ये है हमारे पास में CLF3 मॉलिक्यूल जिसमें कि ये आपके पास में लोन पेयर होंगे एंड द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल वंस अगेन वाइल द शेप इज टी शेप. कैसा शेप है? टी शेप है. ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है. CLF3 एग्जाम्पल है जिसमें कि 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है. द सिस्टम इज ऑफ AB3E2 टाइप ऑफ द सिस्टम. क्लियर चलेगा. नेक्स्ट बात करते हैं यस AB6 टाइप ऑफ द सिस्टम. नाउ AB6 टाइप के सिस्टम की बात करते हैं. एग्जाम्पल ले ले दैट इज SF6. अरेंजमेंट की बात करें देखिए ए इज द सेंट्रल एटम. वंस अगेन 6 एटम्स आर अटैच्ड हियर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6. दीज 4 एटम्स आर हेयर इन अ प्लेन जबकि ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे. दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. नाउ ये इनके साथ में अगर मैं यहाँ पे इसे अटैच करवाऊँ तो देखिएगा 1, 2, 3, 4 4 हेड्रॉन्स ऐसे ही जो है वो ऊपर की तरफ होंगे. This type of the geometry is octahedral. इस arrangement को कहा जाता है octahedral, जहाँ पे 4 bonds in a plane होंगे, एक plane के ऊपर एक plane के नीचे. This geometry is octahedral, जहाँ overall 6 atom attach कर रहे हैं from which 4 are in the same plane. 4 एक plane में square जो है वो structure बनाएंगे. 1, 2, 3, 4 4 bonds are in a plane. One is above the plane, another one is below the plane. This is the arrangement, the geometry that is octahedral. Shape and geometry both will be octahedral this time. Reason, bond pair of electrons, kitne hai? 6. 6 ke 6 bond bana raha hai, right? While 0 lone pair, when there is no lone pair, shape or geometry same hota hai. To ye hua about the molecule SF6 ki baat karte. SF6. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके पास? ऑब्वियसली यस सेंट्रल एटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर दैट इज 6. हाउ मेनी बॉन्ड इट इज फॉर्मिंग हियर? 6 फ्लोरीन है. सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा तो बॉन्ड पेयर कितना है? दैट इज 6. 6 माइनस 6 विल बी 0 लोन पेयर. ओके 6 बॉन्ड पेयर 0 lone pair, octahedral geometry. Now, we'll just talk about the bond angle this time. So, dekhiye, bond angle will be 90, 90, 90, 90
होगा और ऊपर वाला भी 90 ही होगा. जबकि इस और इस बॉन्ड के बीच की बात किया जाए तो यहाँ 180 विल बी द बॉन्ड एंगल. बाकी सारे 90 डिग्री का जो है वो बना रहा है. इन द प्लेन, इन द सेम प्लेन, फोर बॉन्ड्स 90 90 90 90 360. जबकि अगर मैं बात करूँ अबव द प्लेन, जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो इन चारों बॉन्ड्स के साथ विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन 90 डिग्री सेम नीचे वाला बनाएगा. जबकि द टू बॉन्ड्स अबव एंड बिलो द प्लेन फॉर्म्स द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री दिस टाइम. क्लियर? चलिए अब हम इसमें लोन पेयर के केसेस को कंसीडर करते हैं. सो कीप वॉचिंग. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द AB6 टाइप ऑफ द सिस्टम बट द डिफरेंट केस. द केस विच कंटेन द 5 एटम विथ 1 लोन पेयर दिस टाइम. AB5E टाइप ऑफ द सिस्टम. नाउ इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द AB5E टाइप ऑफ द सिस्टम. एग्जाम्पल वी कैन टेक BRF5 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. यस इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द सिस्टम. इस पे बॉन्ड पेयर का बात करें, लोन पेयर का बात करें तो कितना है? 5 बॉन्ड पेयर्स आर हेयर. देखिए वन लोन पेयर. ओके ज्योमेट्री अरेंजमेंट की बात किया जाए, द ए फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स इन अ प्लेन अबव द प्लेन एंड द बिलो द प्लेन एंड दिस टाइप ऑफ द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. क्या है ये? दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. राइट, चलेगा. अब अगर हम बात करें लोन पेयर का, लोन पेयर है ये कहाँ अरेंज करेंगे? देखिए अगर मैं लोन पेयर को जो है वो यहाँ अरेंज कर दूँ इज द पोजीशन. एट दिस पोजीशन आपके पास में जो है वो ये क्या होगा, AB6 टाइप की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पे जाएगा. कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल पे जाएगा. अगर आप यहाँ पे बॉन्ड्स की बात करें तो देखिएगा 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स आर एट 90 डिग्री, 4 बॉन्ड्स आर 90 डिग्री. यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये भी आपके पास में जो है वो कहाँ जाता है, इसको ऊपर डालें नीचे डालें, 90 ही डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल बनने वाला है. वाइल इफ आई जस्ट टॉक अबाउट अगर हम यहाँ इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालते तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट, ऊपर वाला भी 90, 5 के साथ जो है वो 90 डिग्री आता. जबकि यहाँ पे 4 के साथ में 90 डिग्री, जबकि 1 के साथ में 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है. सो टेल मी, 5 बॉन्ड्स 90 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है या 4 90 और 1 को अपन ने मैक्सिमम डिस्टेंस पे डाला, दैट इज़ 180, राइट. हमने यही बात किया था, मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है आप वही अरेंजमेंट रखिए. बाय मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. ओके, और एक चीज, इन द AB6 टाइप आपको यहाँ पर जो है वो लोन पेयर को कहाँ डालना है, इक्वेटोरियल पर डालना है. आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आप कंसेप्चुअल भी देख सकते हैं. चलिए बात करते हैं अबाउट द शेप. वी नो इट वेरी वेल, इन शेप वी विल नॉट कंसीडर द लोन पेयर हेयर. लोन पेयर को नहीं कंसीडर करते. इट मीन्स दिस इज द स्क्वायर और स्क्वायर से चलिए या आप यहाँ बनाएं या आप यहाँ बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. तो ये कैसा शेप बन रहा है, मैं इसी को थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ. समथिंग लाइक दिस, ए फॉर्म्स 4 बॉन्ड, एक यहाँ है, दिस इज द स्क्वायर और ये आपके पास में पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है. यस और नॉट? दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. नाउ स्क्वायर पिरामिडल. नाउ ज्योमेट्री विल अगेन रिमेन सेम. लोन पेयर को भी कंसीडर कीजिए. दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ऑक्टाहेड्रल है ये, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अरेंजमेंट अभी देखा. अब हम बात करते हैं, दिस इज द अरेंजमेंट यार. ओके, एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑफ BR5. ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेल मी ऑन ब्रोमीन, दैट इज 7. 7 में से 5 ने बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर मीन्स 1. 2 इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर लोन पेयर. दिस इज अबाउट AB5E टाइप ऑफ द सिस्टम. अब हम नेक्स्ट केस लेंगे जिसमें हम 2 लोन पेयर को कंसीडर करेंगे. कीप कंसीडरिंग, कीप वॉचिंग ऑल्सो.
last case we are going to consider here, and that is of A B 4 E 2 type of the system. A B 6 type का ही है, लेकिन यहाँ पर 4 bone pair and 2 lone pairs are involving this time. Now, if we'll just talk about the bone pair, have a look, how many bone pairs? Of course, yes, A is attached with the 4 B atoms, while 2 lone pairs are present on the A, central atom. It means, जितना bond बना रहा है, वही तो bond pair है. कितना है? 4. How many lone pairs this time? 2 lone pairs. शेप ज्योमेट्री की बात अरेंजमेंट को देखने के बाद करेंगे. सो हैव अ लुक. ए इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ 4 बी एटम्स एंड 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट दिस टाइम. हैव अ लुक. मैंने अभी अभी बताया था, या तो आप कंसेप्चुअल देखिए, otherwise you can also learn one thing. A B 5 type का system है, lone pair जाएगा axial position पे. Okay, A B 6 type का system है, lone pair जाएगा equatorial position पे. Is this clear? I hope clear हो गया होगा. चलिए बात कर लेते हैं of this A B 4 E2 type of the system ki. This is the arrangement here. Shape ki baat kiya jaye. In the shape, we will not consider the lone pair. Hata lijiye. Tell me, what is the shape now? That is square, planar of course. This is square, planar this time. Geometry will consider both bone pair and the lone pair. And this type of the geometry is the octahedral geometry. Octahedral geometry, while the square planar, क्या है आपके पास में? Square planar जो है वो shape है. Bond angle की अगर बात करें 90-90-90, देखिएगा. In this situation, there are three type of the repulsion between lone pair and lone pair, lone pair and lone pair, lone pair, lone pair repulsion. Then, lone pair, bond pair, and then bone pair repulsion of course. हमें पता है this is the order of repulsion जहाँ आपको lone pair को minimize करना है, because this is the most effective repulsion, right? Lone pair minimize कहाँ होंगे? At the position 180 degree जो है वो आपके पास में maximum distance हो सकता है इसका, maximum bond angle हो सकता है, maximum मतलब आपने रिपल्शन को मिनिमम कर दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम बॉन्ड एंगल मतलब आपने मिनिमम रिपल्शन कर दिया और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कर दिया. फाइन, चलिए बात कर लेते हैं ऑफ एग्जांपल, दैट इज HCl4 ज़िनान टेट्रा फ्लोराइड है ये. ज़िनन HCl नोबेल गैस, दिस इज नोबेल गैस. और नोबेल गैस जो है वो आपके पास में वैसे तो कैसे होती है? ऑलरेडी नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं बनाता है, बट ज़िनन के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. एक्सेप्शनल केस है ज़िनन, ज़िनन के कंपाउंड्स बनते हैं, HCl4 भी बनता है, HCl6 भी बनता है. ज़िनन फॉर्म द कंपाउंड्स, बनाता है ज़िनन कंपाउंड, और वही है आपके पास में HCl4. चलेगा, बात कर लेती हूँ मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. HCl दैट इज ज़िनन, एंड ज़िनन हैज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी? अभी अभी बोला ऑक्टेट कंप्लीट, नोबेल गैस है, नोबेल गैस का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहता है. सो इट हैज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8. 8 में से बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली. 8 - 4 दैट विल बी 4. 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी लोन पेयर? 2 लोन पेयर्स दिस टाइम, 1 and 2. दिस इज अबाउट द ए बी 4 ई 2 टाइप ऑफ द सिस्टम. इसके आगे का जो है वो हमारे जो है वो काम का नहीं है, हम यहीं पर डिस्कस करेंगे इतना ही. चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थियरी VSEPR है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल विल रिपेल टू ईच अदर, जिसके वजह से रिपल्शन अगर होगा तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो क्या चाहेगा, मिनिमम करना रिपल्शन को। जब रिपल्शन को मिनिमम करना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल अटेन दैट पोजिशन दैट अरेंजमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इज मिनिमम एयर, सो दैट इज वाई इट कैन अचीव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिपल्शन का किस किस के बीच में हो सकता है, बिटवीन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, एंड ऑफ कोर्स यस लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और फिर बॉन्ड पेयर है। हमें कोई ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाना है ताकि हम ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख सके इनको, मिनिमम रिपल्शन कर सके और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कर सके। सो दिस इज अबाउट द VSEPR, जो कि आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड की शेप को जो है वो बताती है। This is about the shape. Different जो है वो systems की हमने बात किया, that is AB2 type of the system, AB3, AB4, AB5 and AB6 respectively. और इसी के साथ पे हमारा VSEPR complete होता है। अब हम थोड़ा सा जो है वो कुछ questions की बात कर लेते हैं, कुछ special cases देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम दो factors को जो है वो और देखते हैं। Keep watching. चलिए अगली बात हम कर लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो है वो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे जो है वो बॉन्ड एंगल इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन को देखते हैं या एक काम करते हैं, पहले अपन जो है वो समझते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन हियर। चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम आपके पास में जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल आपके पास में उतना ही कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम जितना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम आएगा। चलिएगा बात करते हैं ऑफ OF2 एंड Cl2O। OF2 एंड द Cl2O, इनमें अगर मैं बात करूं तो किसका बॉन्ड एंगल हाई आना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बिटवीन दीज टू विच हैव हाई बॉन्ड एंगल एंड वाई, क्यों है और किसका है। चलेगा, Cl2O इसका आपके पास पे हाई बॉन्ड एंगल आता है एज कंपेयर टू OF2। हैव ए लुक इन बोथ द मॉलिक्यूल। O is the central atom which is attached with the fluorine air FnF, जबकि Cl जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। हैव ए लुक इन दिस केस, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, वाइल क्लोरीन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ऑक्सीजन। अभी अभी हमने बात किया था इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ टर्मिनल एटम जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल जो है वो इसका कम हो जाएगा, या आप ये कह दें कि Cl2O का जो बॉन्ड एंगल है हाई बॉन्ड एंगल आता है, Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OF2। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम इज ग्रेटर देन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर टर्मिनल एटम तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट Cl2O has high bond angle as compared to the OF2. Next factor को देखते हैं electronegativity के अलावा, fulfilled. If the orbital is fulfilled of the central atom, तो उस केस की बात करते हैं। Keep watching. Yes, now we are talking about the fulfilled orbital. Central atom की बात उस बार हो रही है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की बात किया था। सेंट्रल एटम, इफ द सेंट्रल एटम हैज फुलफिल्ड वैलेंस शेल है, ठीक है,
सेंट्रल एटम का फुलफिल्ड वैलेंस शेल अगर है आपके पास में, तो आपके पास में जो है वो क्या होता है, देखिएगा, फुलफिल्ड वैलेंस शेल मींस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इस बार बढ़ जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा रिपेल करेंगे। रिपल्शन अगर आपके पास में हाई है तो आपके पास में जो है वो बॉन्ड एंगल भी इस बार जो है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल कम हो रहा था, वाइल ड्यू टू द फुलफिल्ड वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम अब की बार बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा जो है वो आता है। चलिएगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इफ द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम इज फुलफिल्ड, इट मींस बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा। रीजन फुलफिल्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इस बार ज्यादा है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा तो रिपल भी ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा आएगा। चलेगा, बात करते हैं क्वेश्चन की, H2O एंड H2S दिस टाइम आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। H2O हैव द बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 104.5 डिग्री होता है, इसका लगभग 92.5 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, राइट? तो ये है अबाउट द बॉन्ड एंगल ऑफ H2S एंड द H2O रेस्पेक्टिवली। आपके पास भी क्वेश्चन यही था, H2O एंड द H2S बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा और क्यों। चलेगा, ज़्यादा तो मैंने बता दिया, दैट इज ऑफ वाटर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2S। क्यों होता है उसकी बात करते हैं। देखिएगा, वैलेंस शेल की बात करें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 एयर सेम है, ठीक है, सेम जो है वो आपके पास में यहाँ पे वैलेंस शेल है, लोन पेयर भी सेम होंगे, बॉन्ड पेयर भी सेम होंगे, तो भी आपके पास में जो है वो क्या होगा, द ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की जो है वो भी सेम आनी चाहिए, लेकिन तो भी बॉन्ड एंगल जो है वो किसका ज़्यादा आता है, H2O का। व्हाट इज़ द रीज़न हियर, द रीज़न इज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑफ द फुलफिल्ड वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। हैव अ लुक इन दिस केस, इन द H2O मॉलिक्यूल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, राइट? चलेगा, अब मैं अगर बात करूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है, सल्फर के पास में भी जो है वो उतने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास ओवरऑल 8 होते हैं, वैलेंस शेल 6 है, राइट? सल्फर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी आपके पास में जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, That is 1s2, 2s2, 2p4, यही है, राइट? चलेगा, तो अब अगर हम बात करें अबाउट H2S, दिस इज अबाउट ऑक्सीजन, 1s2, 2s2 एंड 2p4, राइट? चलेगा, तो वैलेंस शेल ऑक्सीजन के खुद के कितने हैं, दैट इज 6, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ ये ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन से और बॉन्ड बना रहा है, तो 1 और 2 इसके और हो गए, ओवरऑल इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, मीन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आफ्टर बॉन्डिंग। इन द वैलेंस शेल आफ्टर बॉन्डिंग की बात करें, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सल्फर की बात कीजिए, सेम है, 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एंड सल्फर आर बोथ द मेंबर ऑफ द ग्रुप नंबर 16, सेम होगा, 6 वैलेंस शेल है। अब की बार ये भी दो जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 6+2 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग। आफ्टर बॉन्डिंग जो है उसके पास में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 4 पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दोनों का ही जो है वो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 मतलब द आउटर मोस्ट शेल इज सेकेंड एयर और उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, राइट? वाइल सल्फर की आप बात करें तो द आउटर मोस्ट शेल इज 3rd इन दिस केस ऑफ सल्फर और 3rd शेल के लिए आपके पास में जो है वो ये इनकम्प्लीट जो है वो वैलेंस हुआ, इनकम्प्लीट हुआ ना, 8 इलेक्ट्रॉन से 18 हो सकते हैं, बिकॉज इन द
इन द थर्ड शेल डी भी तो होंगे, एस पी के अलावा डी भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स आर वेकेंट हेयर, दैट इज वाई सल्फर जो है वो वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है. ड्यू टू द इनकम्प्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम होगा और बॉन्ड एंगल भी जो है वो एच टू एस का कम हो जाएगा. दिस इज अबाउट द बॉन्ड एंगल हेयर. वापस समझिएगा क्या कह रहे हैं हम. फुलफिल्ड वैलेंस शेल है मतलब कि बॉन्ड एंगल ज्यादा. ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ हैज 6-6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. आफ्टर बॉन्डिंग दो हाइड्रोजन के और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन के और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स, मीन 4 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर राइट. 8 इलेक्ट्रॉन इन द 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन दिस इज द ऑक्सीजन बिलोंग्स विद द सेकेंड शेल. सेकेंड शेल के लिए 1s 2s 2p इतना ही होगा, ठीक है. 3d मतलब d नहीं प्रेजेंट है, s जो है वो और p मतलब सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल राइट. थर्ड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, एस पी तो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट हियर इन द केस ऑफ H2S, और इसीलिए आपके पास में फुलफिल्ड जो है वो वैलेंस शेल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो ज़्यादा रिपेल करते हैं, और जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे आपके पास में जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे बॉन्ड एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा. दिस इज रीज़न कि आपके पास में सेम जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, सेम ग्रुप से बिलोंग करने के बावजूद, सेम शेप ऑर्बिट ज्योमेट्री होने के बावजूद, इन द H2O बॉन्ड एंगल इज हायर ग्रेटर देन ऑफ H2S. और इसी के साथ में जो है वो हमारा आज का टॉपिक VSEPR कंप्लीट होता है. आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, समझ आया होगा. If you enjoyed this class, please like, share and subscribe my channel. And yes, one more thing, keep studying, keep watching. Thank you so much for watching. Bye once again.